साथियों नमस्कार। साथियों मैं आपका साथी वेद स्नेह। साथियों आज हम गूगल के बारे में बात करना चाहेंगे। गूगल के बहुत सारे फायदे हैं साथियों। गूगल हिमालय की कंदराओं और पहाड़ियों के ऊपर पाया जाता है साथियों। गूगल के बहुत सारे फायदे हैं, कृपया उसको ऐसा प्रयोग न करें। आज साथियों हम गूगल के शुद्धिकरण के बारे में जानेंगे। साथियों हम जो शुद्धिकरण करते हैं वो शास्त्रोक्त से कुछ अलग तरीके से करते हैं, और हमारा शुद्ध किया हुआ गूगल अगर कैंसर वाले व्यक्ति को भी दे दिया जाए तो उसकी कैंसर भी खत्म हो जाती है। तो साथियों हमें शुद्ध करने का तरीका हम बताएंगे। साथियों हमने एक क्वा तैयार किया है, सूखा क्वा तैयार किया है, वो हम आपको दिखाएंगे। कैमरा मैन नजदीक से दिखाने वाले हैं साथियों। यह क्वाथ है तो साथियों इसमें जो ये दिख रहा है ये साथियों दमासा है। ये दमासा जड़ी बूटी है, गिलोय है और एरंड है और अश्वगंधा है और खरेंटी है। इस तरह से साथियों इसमें 32 जड़ी बूटियों का मिश्रण है। तो साथियों हम इसका क्वाथ करेंगे। साथियों अभी देखते रहना, ये जो काढ़ा है इसमें त्रिफला भी है, हरड़ बेड़ा आंवला, और इसमें हम 2 लीटर पानी मिलाने वाले हैं। ये साथियों हमने 2 लीटर इसमें पानी मिला दिया है, और पानी मिलाने के बाद साथियों हमारे पास 2 कटोरी में 200 ग्राम गूगल है। यह अच्छी क्वालिटी का गूगल है साथियों। यह 10,000 रुपये पर केजी का गूगल है, और बाजार में नकली गूगल भी मिलता है। तो साथियों अच्छी क्वालिटी का गूगल लें, और इस गूगल को भी हम इसके अंदर मिलाएंगे। इस गूगल को भी हमने इस क्वाथ के अंदर मिला दिया है। अब ये क्वाथ के अंदर मिल गया है। तो साथियों 200 ग्राम गूगल के अंदर हमने 2 लीटर पानी लिया है और ये क्वाथ लिया है। तो साथियों अभी इस क्वाथ को हम गर्म करेंगे, जब इसको उकाड़ेंगे साथियों, जब 200 ग्राम क्वाथ रह जाए, पानी रह जाए, तब इसको छान के एक अलग कढ़ाई में पकाएंगे, और पकाते पकाते जब वो सूखने लग जाए तो लास्ट में हमें एक शुद्ध गूगल प्राप्त होगा, जो हम कैंसर में, गंठिया में और किसी भी दर्द निवारक योग में देते हैं। तो साथियों इस गूगल से हम गंठिया का इलाज करते हैं, और गंठिया हमारा 100% इससे क्योर होता है। तो साथियों आज हम गंठिया के लिए ही एक योग तैयार कर रहे थे, तो सोचा साथियों को भी हम थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बता दें। तो साथियों गूगल की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। साथियों हम गूगल के बारे में बात कर रहे थे। साथियों हम गूगल के शुद्धिकरण के बारे में हम आपको बता रहे हैं। साथियों वो काढ़े के अंदर गूगल मिलाई थी, और तो काढ़ा हमने इसमें मिला दिया है। अब जब 200 ग्राम रहेगा तब इसको छानेंगे और आगे की प्रक्रिया आपको दिखाएंगे। तो साथियों इस तरह से गूगल शुद्ध होती है। गूगल को हमने इस काढ़े के अंदर मिलाया है। साथियों अब हमने गूगल के अंदर थोड़ा घी मिला दिया है। अब ये जब चौथा हिस्सा रह जाएगा 200 ग्राम तो इसको छानेंगे, वो प्रक्रिया हम आगे आपको दिखाते रहेंगे। साथियों गूगल को हम शुद्ध कर रहे थे। साथियों अभी ये गाढ़ा हो चुका है, देखो साथियों जो हमने क्वाथ बनाया था वो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, और इसमें से बुलबुले भी निकल रहे हैं। आग धीमी धीमी जल रही है, हमें आग जलते हुए लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। अब इस क्वाथ को छानेंगे, छानने के बाद फिर इसको पकाएंगे, तब उसमें जो गूगल है वो शुद्ध गूगल है निकलेगा, और शुद्ध गूगल का निर्माण होगा। तो साथियों अभी हम छानने वाले हैं, आपको दिखाएंगे। साथियों हम अब इस क्वाथ को छानने वाले हैं।
देखो साथियों, इसको छान के इससे जो पानी निकलेगा उसे गूगल को हमें अलग पकाएंगे। साथियों जो गूगल थी इसमें पिघल चुकी है, साथियों इस तरह से हमने जो गूगल का क्वाफ था उसको छान के इकट्ठा कर लिया है। अब इसको दोबारा से पका रहे हैं। साथियों बहुत तेज़ गर्मी है और आसमान में बादल छाए हुए हैं और इतनी गर्मी के अंदर भी हम काम कर रहे हैं। तो साथियों इतना फर्ज तो आपका बनता ही है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, क्यों वीडियो बनाने के अंदर काफ़ी मेहनत लगती है, खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाके हम आपको कोई एक योग दिखा पाते हैं। तो साथियों मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी, वीडियो देखते वक्त सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। साथियों इस तरह की ये गूगल का निर्माण हो रहा है। जो काढ़ा हमने आपको पहले दिखाया था उसको अच्छी तरह से छान के और दोबारा इसको चूल्हे पे चढ़ाया है और इसके नीचे मंद मंद अग्नि जल रही है। अभी यह थोड़ी देर बाद में यह पानी जल जाएगा और ये इकट्ठा हो जाएगा, तो उसके बाद हम आपको दिखाएंगे गूगल कैसे शुद्ध होती है और कैसे प्राप्त होती है। साथियों इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे ताकि ये चिपके नहीं। साथियों थोड़ा सा घी डाल रहे हैं, पहले भी डाला था और अब भी हमें इसमें घी डाल रहे हैं। तो साथियों ये क्या है, कढ़ाई के नीचे चिपकेगी घी डालने से। साथियों इस तरह से गूगल का निर्माण होगा और जैसे ही गूगल बनती है हम आपको दिखाएंगे। साथियों इस तरह से जो हम गूगल शुद्ध कर रहे थे उसका जो लिक्विड था बिल्कुल शिला जीत की तरह गाढ़ा हो चुका है। तो साथियों चाहो तो आप इसको ऐसे ही शीशी में डाल के रख सकते हो, इसकी दो दो बूंद सुबह शाम ले सकते हो। अगर नहीं तो इसको थोड़ा और जलाएंगे, जलाने के बाद इसकी गोलियां बनने लायक हो जाएगी, तो गोलियां भी बना सकते हैं। अगर गोलियां नहीं बनानी हो तो थोड़ा और जलाने के बाद ये शुष्क हो जाएगा, तो इसको सुखा करके काम लेंगे। अभी साथियों देखो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल देखने में शिलाजीत जैसी लग रही है। तो अभी थोड़ा और गाढ़ा होगा तो उसके बाद हम आपको और दिखाएंगे। तो साथियों अभी ये धीमी धीमी आंच के ऊपर ये पक रहा है और गूगल जब बिल्कुल एकदम से गाढ़ी हो जाएगी उसके बाद में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो साथियों क्या होता है, इसको लोहे की कढ़ाई के अंदर बनाने का एक ही मकसद होता है कि इसमें जो त्रिफला मिला होता है वो कोई भी धातु का बर्तन है उसको काट लेता है। तो लोहा मिलने से इसमें आयरन और ज़्यादा मिक्स हो जाएगा और ज़्यादा ये पावरफुल होगा। तो लोहे की कढ़ाई में इसलिए इसको बनाते हैं, सल्वर की कढ़ाई में इसको नहीं बनाते हैं, क्योंकि सल्वर मिक्स होने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे उपद्रव है वो पैदा हो जाते हैं। तो साथियों देखते रहो, इसी तरह से ये थोड़ा और गाढ़ा होगा, सूखने के बाद हम आपको दिखाएंगे। साथियों लास्ट के अंदर ये बिल्कुल सूख चुकी है और कढ़ाई की चिपक भी चुकी है। तो इस तरह से देखो साथियों, ये इस तरह से बिल्कुल ये जो गूगल है वो हमारी तैयार हो चुकी है। देखो साथियों अब हम इसको क्या खुर्च के उतारेंगे सभी को और इसको दो दिन धूप में सुखाएंगे। सूखने के बाद जो पाउडर बनेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखो साथियों इस तरह से ये गूगल हमारी है जो तैयार हुई है, ये देखो इस तरह की है। अभी तो कढ़ाई के बहुत सारी चिपकी हुई है। तो इसके बाद थोड़ी सूखने पे पाउडर बनने पे आपको और दिखाएंगे। साथियों इस तरह से हमने कढ़ाई के अंदर से खुर्च के गूगल को इकट्ठी की है, इस तरह से हमें यह गूगल प्राप्त हुआ है।